लोक विधानसभा का चुनाव आ रहा है 2017 का उत्तर प्रदेश का, निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं, और आज जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, तो 2.5 साल के इनके कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही जो ये सोशल मीडिया के पर डालेंगे, और सोशल मीडिया पर किस तरीके के हालात हैं। मैं तो समझता हूँ अमित शाह जी को इस चीज़ को देखना चाहिए था, और उसके बाद इस तरीके की चीज़ों को आगे करना चाहिए था। इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है 2.5 साल में। जिस तरीके से पूरे देश के जनता इनकी नीतियों को समझ चुकी है, ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये साजिश करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग अब सोशल मीडिया पे किस तरीके के धोखे में जनता को रखेंगे, किस तरीके की साजिश रचेंगे, मैं तो समझता हूँ कि किस तरीके से झूठ भी बोलेंगे, ये सोशल मीडिया पर आने वाले समय में देखने वाला होगा। यही आरोप तो अमित शाह की तरफ से लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार की नाकामी है, इन्हें कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसी बात के तो गुर सिखाने के लिए पहुंचे थे राजधानी। अक्षय जी, ये तो जनता तय करेगी, ये अमित शाह को नहीं तय करना, न संजीव मिश्रा को तय करना है, क्योंकि 4-4.5 साल में जो हमने काम किया, और 2.5 साल में इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को धोखा देने का काम किया, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में तय कर लेगी। लेकिन इतना जरूर है, मैंने पहले ही कहा कि ये झूठे लोग हैं, ये साजिश करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। पूरे देश में आज जो माहौल है, अक्षय जी मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जहां गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं प्रदेशों में, वहां ये किस तरीके की साजिश रच रहे हैं, कहीं गवर्नर के माध्यम से, कहीं उस सरकार में तोड़फोड़ करने के माध्यम से। अभी ये जिस जहां चुनाव हुए, अगर मान लीजिए जहां पर इन्होंने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, अब जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, तो ये बाप और बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ते लड़ते ये बाप और बेटी से ही समझौता कर लेते हैं, और आज हालात क्या है, कश्मीर 2-2.5 महीने से जल रहा है, लेकिन इनको चिंता नहीं है, ये केवल बैठ के दिल्ली में कर रहे हैं, और ऐसे ऐसी बैठकें इन्होंने कर डाली जहां पर इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को ही नहीं बुलाया। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।